कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रद मनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेश जंतु पुताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुर गुरुर् गरिमाम्बुराशिः स्तुत्रं सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेश किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए अब बारवा काव्य प्रारंभ करते हैं। स्वामिन ननल्प गरिमाण मपिप्रपन्नास स्वामिन ननल्प गरिमाण मपिप्रपन्नास त्वांजन्त वह कथमहो हृदये दधाना त्वांजन्त वह कथमहो हृदये दधाना जन्मो दधिन लघुतरन्त्यति लाघवेन जन्मो दधिन लघुतरन्त्यति लाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः स्वामिन् ननल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वांजन्त वह कथमहो हृदये दधानाः जन्मो दधिन् लघुतरन्त्यति लाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः स्वामिन्ननल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वांजन्त वह कथमहो हृदये दधाना त्वांजन्त वह कथमहो हृदये दधाना जन्मो दधिन लघुतरन्त्यति लाघवेन जन्मो दधिन लघुतरन्त्यति लाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः बारहवे काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए स्वामिन संबोधन दे रहे हैं कि हे स्वामिन हे प्रभु अहो ये आश्चर्य है अल्प गरिमाणम अपि अल्प नहीं अनल्प गरिमाणम अपि
अल्प होता है थोड़ा, और अनल्प उसका विरुद्ध होता है। तो अधिक गरिमा से अधिक गौरव से युक्त, इसमें दूसरा अर्थ जो गौरव का अर्थ होता है भारी में होता है, अत्यंत वजनदार। त्वाम प्रपन्ना, आपको जो प्राप्त करता है, और हृदये दधाना, अपने हृदय में धारण करता है। ऐसे जंतवः जन्मो दधिम अति लाघवेन कथम लघु तरंती। कोई भारी चीज को कोई रख ले और जल्दी से पार हो जाए, इसमें विरोधाभास समझ में आ रहा है। कोई हल्की चीज को लिए हुए हो तो जल्दी पार हो जाए तो ठीक है, यहां पर कह रहे हैं आप गरिमा से युक्त हैं, अधिक गौरव से युक्त हैं, अत्यंत वजनदार हैं, और जो अपने हृदय में आपको धारण करता है फिर भी संसार समुद्र को जल्दी से पार कर जाता है। ये यहां पर आश्चर्य की बात है अहो शब्द के साथ में। और यदि वा अथवा हंत, ये हर्ष के अर्थ में यहां पर है, कभी कभी खेत के अर्थ में भी आता है। महताम प्रभावा चिंत्या ना, जो महान पुरुष होते हैं उनका प्रभाव अचिंतनीय होता है, चिंतन के योग्य नहीं होता। कि ऐसा कैसे, कि ऐसे बता रहे हैं एक तो कि जो अधिक गरिमा से युक्त हैं, वजनदार हैं, उनको अपने हृदय में धारण करना कैसे, और बाद में धारण करने के बाद में शीघ्रता से संसार समुद्र से पार कैसे हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान महान पुरुषों का प्रभाव चिंतन के योग्य नहीं होता, अचिंतनीय होता है। लेकिन यदि अपन आगम के अनुसार इसमें चिंतन करें तो इसमें जब भगवान को जो अपने हृदय में धारण करता है, कल बताया था कि भगवान को हृदय में धारण करना वहां पर आस्था का भी प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक भी है, और चारित्र का भी प्रतीक है। यदि अपन यहां पर आस्था के प्रतीक के रूप में लें तो जब कोई अपने हृदय में भगवान को धारण करता है तो उस समय में मिथ्यात्व बाहर निकल जाता है, और मिथ्यात्व ही सबसे ज्यादा भारी है। तो जब भगवान को कोई अपने हृदय में धारण करता है तो उसमें मिथ्यात् अनंतानुबंधी आदि जब बाहर निकल जाती हैं तो वो हल्का अपने आप हो जाता है। और हल्का होने के बाद में यदि कोई शीघ्रता से संसार समुद्र को पार कर जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जब महावीर भगवान का जीव 10 भव पूर्व में सिंह के रूप में एक हिरण का वध करके और भक्षण कर रहा था, उस समय में 2 चारणरिद्धिधारी मुनिराज उसको ऊपर से देखते हैं और अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से कि 10 भव बाद में इसको यहां तीर्थ का प्रवर्तन करना है और ये किस काम में लगा हुआ है। तो अमित गुण और अजितंजय नाम के दोनों मुनिराज वहां से नीचे उतरते हैं और उसके लिए वहां पर संबोधन करते हैं कि हे वनराज, तुमने त्रिपष्ट नाम के नारायण 3 खंड के अधिपति के पद को भी प्राप्त किया था और 3 खंड का अधिपति, सारे पंचेंद्रियों की भोग सामग्री, जो भोग सामग्री चाहिए सारी तुम्हारे लिए सुलभ थी लेकिन तुम्हें उससे भी तृप्ति नहीं हुई, और वहां से तुमने सप्तम नरक की यात्रा की, वहां से निकलने के बाद में सिंह की पर्याय को प्राप्त किया और उस भव में भी जीवों का वध करके तुम पुनः प्रथम नरक में गए, और वहां से निकलने के बाद में तुम फिर से नरक में जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही ये शब्द उस सिंह के कानों में पड़ते हैं और उसको जाते स्मरण हो जाता है, कहां मैं 3 खंड का अधिपति, और सारी पर्यायें उसको वहां पर झलकने लगती हैं, और उस समय में मुनिराज के वचनों के माध्यम से उसके मन में ऐसा तीव्र पश्चाताप मन में उत्पन्न होता है और आंखों से
अश्रु के झरने बहने लगते हैं। आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में लिखा है, मानो मिथ्यात् ही आंसुओं के माध्यम से बाहर बह रहा है और अंदर सम्यक्त के लिए जगह बना रहा है, और उस समय में ऐसा तीव्र पश्चाताप शोक से वो ग्रसित हो जाता है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने यह भी लिखा कि जब जाते स्मरण और पूर्व के पश्चाताप की ओर जब उसकी दृष्टि जाती है तो इतना तीव्र शोक होता है, ऐसा तीव्र शोक संसार में किसी दूसरे को नहीं होता। तो उस समय में वो वहां पर आंसुओं का बहना, यानी वहां से शरीर में जब कोई पानी से भरा हुआ कोई टैंक हो और उसमें कोई भारी चीज डाली जाए तो पानी बाहर निकलता है, तो ऐसे ही जो भगवान के लिए यहां पर कहा कि अनल्प गरिमाणम अपि, अधिक गौरव से युक्त जो आपको अपने, पहले तो वैसे कैसे हृदय में धारण करता है बहुत भारी चीज को, और धारण करने के बाद में शीघ्रता से संसार समुद्र से कैसे पार हो जाता है, क्योंकि जो आपको अपने हृदय में धारण करता है वो गुणों से तो भर जाता है और दोषों से रिक्त हो जाता है। दोषों का ही भार होता है, गुण भारहीन होते हैं, गुणों का भार नहीं होता, दोषों का भार होता है। तो दोषों से रहित हो जाने के कारण आप हल्के हो जाते हैं और उसके कारण संसार समुद्र से यदि शीघ्रता से भी पार कर जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। गुणीजनों की संगति जब कोई करता है तो गुणों को प्राप्त हो जाता है, उसके माध्यम से जब गुण आते हैं तो दोष दूर हो जाते हैं और उनके माध्यम से उसका जीवन पवित्र बन जाता है, हत्यारा भी योगी बन जाता है। आप लोगों ने वाल्मीकि की कथा सुनी होगी, वाल्मीकि एक लुटेरे डाकू के रूप में थे और लोगों को लूटना काम, एक बार एक साधु को पकड़ लिया कि निकालो तुम्हारे पास क्या है, और उस समय में उन्होंने कहा कि तुम जिनके लिए ये पाप कर रहे हो वो जब कर्मों का हिसाब लिया जाएगा तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अरे कैसे नहीं, पूरा परिवार मेरी बात पर जान देने के लिए तैयार है, तुम गलतफहमी में हो, जब अच्छा रहता है तो तब साथ में हो जाते हैं, पाप में कोई साथ नहीं देता है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा करो घर जाकर के पूछ करके आओ। वो कहता है कि बहुत सयाना समझते हो अपने आप को, हम घर जाएं और तुम यहां से निकल करके भाग जाओ। और कहता है ठीक है तुमने कहा है तो मैं जाकर के पूछ करके आता हूं, लेकिन तुमको पहले यहां पर बांध करके जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तो तुम्हारे बंधन में हूं, बांध दो। बांध दिया और घर जाकर के पूछता है कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूं, यदि कभी राजदंड प्राप्त होगा तो तुम साथ में उस दंड को प्राप्त करोगे? कोई तैयार नहीं हुआ। आपका जिम्मेदारी है, आपको हमारे परिवार का पालन पोषण करना है, आप जैसा करो वैसा करो, अच्छे से करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, लेकिन राजदंड को भुगतने के लिए हम तैयार नहीं। पत्नी ने भी मना कर दिया, सोचता था अर्धांगनी है ये तो साथ देगी, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया। आंखें खुली और वो फिर आगे बैरागे के पथ पर बढ़कर के योगी बन गए। तो संगति का प्रभाव जीवन में अवश्य पड़ता है। तो जहां भगवान की संगति की जाती है, भगवान के पास में जाते हैं तो उनके गुणों के गुणगान करने से उनके गुणों का भी अपने अंदर प्रादुर्भाव होता है और उसके माध्यम से दोषों का अवसान भी होता है। एक दोहा कहीं कहीं पर आवाज आती रहती है, सुनते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संगति का ऐसा प्रभाव रहता है कि वो पापों को हरने में समर्थ होती, भले ही थोड़ी देर के लिए भी मिलना हो, उससे पापों का क्षय अवश्य होता है। एक बार श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि वहां पर जाओ आप। उन्होंने कहा ठीक है। वहां पर गए तो एक चार इंद्रिय जीव था
जिसकी आंखें भी थीं और वो देख भी रहा था। और जैसे ही वहां पर नारद जी पहुंचे और वो गिर पड़ा, मरण को प्राप्त हो गया। थोड़े दिनों के बाद में श्री कृष्ण जी ने फिर कहा कि उस वृक्ष के पास जाओ, वहां पर एक तोता आपको मिलेगा। वो वहां पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो देखा वो तोता इनको देख रहा था और देखते देखते ही बेहोश होकर के गिर पड़ा। किस काम में लगा रखा है, जिसके पास जाते हैं वो मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि एक गाय का बछड़ा है, उसके पास जाना है। गाय के बछड़े के पास में जाने में डर लग रहा था क्योंकि गो हत्या का ज्यादा पाप माना जाता है, लेकिन फिर भी चले गए। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इससे बहुत कुछ सीख प्राप्त होगी। वहां पहुंचे तो फिर वही घटना घटी कि वो बछड़ा भी गिर पड़ा और थोड़ी ही देर में उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। फिर जब मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बार आपको राजा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, उसके पास जाना है। कहने, अभी तक तो इनका कोई मालिक नहीं था तो किसी ने कुछ नहीं बोला, अब यहां राजा के यहां भेज रहे हो और वहां पर यदि राजा का शिशु यदि मरण को प्राप्त हो जाएगा मेरे पहुंचने पर, तो फिर तो मेरी खैर नहीं रहेगी, मैं इस बात को तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कहले, नहीं, अब ऐसी कुछ बात नहीं होगी, अभी तक जो कुछ होता रहा था अब वहां पर घटित नहीं होगा। बात में सच्चाई और दम जान करके जब वहां पर पहुंचे तो वो छोटा सा जो नवजात शिशु अभी बोलना नहीं जानता है, लेकिन वो छोटा सा शिशु भी बोलने लगा कि आपके ही संगति से मैंने ये राजकुमार का जन्म पाया है। नारद जी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने बताया कि जब मैं चार इंद्री जीव था, कीड़े के रूप में था, आपके मैंने दर्शन किए और उस समय में मेरा तरक्की हो गई, मैं तोते के रूप में उत्पन्न हुआ। उस तोते की अवस्था में भी मेरे मरण के समय में आपके दर्शन हो गए और उसके कारण मैं एक बछड़े के रूप में उत्पन्न हो गया। और बछड़े में भी जब मैं मरने की अवस्था में था तो उस समय में फिर आपने मुझे दर्शन दे दिए और मेरे पुण्य में वर्धन हो गया, भावों में निर्मलता आ गई और उसके कारण मैं राजकुमार की पर्याय में आ गया। तो जो कहा है कि तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, संगति का ये प्रभाव अवश्य जीवन में पड़ता है। एक पत्नी अपने पति के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती थी कि कभी तो जो है प्रवचन सुनने जाया करो, लेकिन पति के जो है कानों पर जू नहीं रेंगती थी, वो कभी भी नहीं सुनता था। बहुत बार कहने के बाद में, अब चतुर्मास खत्म होने वाला है, अब तो सुन लो जा करके। तो एक दिन पति ने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन बस एक बात सुन करके वापस आ जाऊंगा, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है, बस एक बात सुनूंगा उनकी। अरे एक तो सुन लो, तुलसी संगत साधु की कहा है उसमें कि आधी से आधी घड़ी, आधी से आधी जितनी बने उतनी दे दो। और वो पति वहां पर साधु महाराज के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गया और उस समय में प्रवचन प्रारंभ नहीं हुआ था, सारे लोग वहां पर पहुंच रहे थे और साधु महाराज ने कहा, क्या सभी लोग आ चुके हैं? सब लोगों ने कहा हाँ, पूरी समाज आ चुकी है। बता रहे थे कि ऐसी भी समाज है कि जब प्रवचन होते तो सब घरों में ताले लग जाते, तो पूछ लिया क्या सभी लोग आ चुके हैं, तो कहा हां। क्या सभी लोगों ने मौन धारण भी कर लिया है? तो सब लोगों ने अपनी गर्दन से ही, क्योंकि बोलेंगे हां तो उसमें आवाज होने लगेगी। फिर उन्होंने कहा कि सभी लोग नजदीक आ जाएं जिससे कि और लोगों को भी जगह मिल जाए। और तीन सेंटेंस उनके पूर्ण हुए, उसने कहा बस इतना ही पर्याप्त है, और वो पति जो है लौट करके चला गया। अब
पहली बार उसने जो है तीन वाक्य साधु के मुख से सुने थे तो बस बार बार वही जो है दोहराने लगा, क्या सभी लोग आ चुके हैं, क्या सभी ने मौन धारण कर लिया है, सब लोग नजदीक आ जाएं। वो दिन भर जो है घूमता रहा माइंड में, और रात में जब वो शयन करने लगा तो रात में भी वही उसके दिमाग में घूम रहा था। और उस रात में उस घर में कुछ चोर आए और वो जो मन में घूम रहा था अब शब्दों में भी व्यक्त होने लगा, सार क्या सभी लोग आ चुके हैं। तो चोर ने सोचा लगता है कोई घर में जाग रहा है, क्या सभी लोगों ने मौन धारण कर लिया है। तो खुसर खुसर कर रहे थे तो एकदम बिल्कुल शांत हो गए कि ये तो भैया देख रहा है अपने को, और कहा सभी लोग नजदीक आ जाएं, और ने कहा आप तो पक्का यहां पर पकड़े जाएंगे, और सारे के सारे वहां से भाग गए। कथानक है, रूपक है कि जब तीन वाक्य सुनने से घर के चोर विदा हो गए तो यदि उनकी वाणी को सुनकर के यदि अपन हृदयस्थ कर लें तो कर्म चोर भी यदि दूर भाग जाएं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति आश्चर्य की बात नहीं है। और इस काव्य में कि भगवान जो आपको अपने हृदय में धारण करता है वो शीघ्रता से संसार को पार हो जाता है। कितने कथानक हैं, वो खादरसाल भील जिसने कौए का मांस छोड़ा था, मांसाहारी हैं हम नहीं छोड़ सकते, कौए का मांस तो नहीं खाते ना, उसको छोड़ दो। इससे ये भी सीख लेना चाहिए अपने को, कई बार महाराज जी की रात को 9 बजे का बात का त्याग कर दो तो उसका अर्थ ये नहीं लेना कि महाराज जी ने रात को 9 बजे तक खाने की छूट दी है। आप तो वैसे ही पूरी रात खाते थे लेकिन आपने जो 9 के बाद का त्याग किया है उसके लिए साधु का माता जी का आपको आशीर्वाद है, ना कि आप शाम से लेकर रात को 9 बजे तक जो खाएंगे उसके लिए आशीर्वाद है। तो उन्होंने महाराज ने वहां पर कि तुम सारे मांस को खाते हो नहीं त्याग कर रहे, क्यों कौए का मांस तो त्याग करो, और उसने त्याग कर दिया। और परीक्षा हुई कि वैद्य ने बता दिया रोग में कि इसी को खाना है, उसने कह दिया मैंने तो त्याग किया है। उसका साला समझाने के लिए जो सरदार था आ रहा था और उसने एक देवी को रुदन करते हुए देखा और वो देवी कह रही थी कि तुम जा रहे हो उसको समझाने के लिए, और यदि उसने तुम्हारी बात मान करके यदि अपने नियम को तोड़ दिया तो वो नरक में जाएगा, वरना यदि वो नियम का पालन करता है तो मेरा यक्ष बनेगा, और तुम जा रहे हो, तुम सरदार हो, तुम्हारी बात को यदि मान लिया तो फिर वो मेरा यक्ष नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं रुदन कर रही हूं। जाता है अपने जीजा को समझाने का प्रयास करता है, और उस समय में जीजा पस से मस नहीं होता तो उस समय में वहां पर कह देता है कि तुम्हारा नियम बहुत अच्छा है, तुम तो मर करके देव बनने वाले हो। जैसे ही वो सुनता है और उस समय सोचता है कि महाराज मुझसे कह रहे थे कि तुम हिंसा छोड़ दो, मांस का त्याग कर दो, अब मेरा मरण निश्चित है, तो अब मैं आज सारे मांसों का त्याग करता हूं। और थोड़े ही दिनों में उसकी आयु का अंत आ चुका था, वो मरण को प्राप्त होता है, और मरने के बाद में उसके क्रियाकर्म को करने के बाद में उसका साला वापस लौटता है और उसको यक्षी को देखता है, वो अभी भी रुदन कर रही है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि उसने तो नियम का पालन किया उसके बाद में भी ये क्यों रुदन कर रही है, और उसने कहा कि उसने सारे मांसों का त्याग कर दिया, उसके कारण में वैमानिक देव बन गया, उसका उत्थान हो गया, उत्कर्षण हो गया। और उसके बाद वो वहां से च्युत होने के बाद में आकर के राजा श्रेणिक की पर्याय को प्राप्त हुआ, और राजा श्रेणिक ने भले ही पूर्व में मिथ्यात के प्रभाव से वहां पर यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल करके 33 सागर की सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया, लेकिन भगवान महावीर के संपर्क से उसने छायक सम्यक तो प्राप्त कर लिया, और अभी भले ही प्रथम नरक में हैं, प्रथम पटल में सीमंतक बिल में वो अभी विद्यमान हैं, लेकिन आगे के समय में
वो प्रथम तीर्थंकर महापद्म बनेंगे। और उस भव से तीर्थंकर हैं तो अपने साथ साथ संसार के जीवों के लिए भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कितने छोटे से भवों में उन्होंने उस मुक्ति के पथ को प्राप्त कर लिया। तो इस काव्य में जो कहा गया है कि भगवान आपको जो अपने हृदय में धारण करता है वो शीघ्रता से संसार समुद्र से पार हो जाता है। उस सियार की घटना भी आप लोगों को मालूम है, जिसने कि रात्रि में भोजन पानी त्याग किया था और बार बार नीचे ऊपर करते करते उस वापिका में अंधेरा देख करके उसने पानी नहीं पिया, रात समझ करके प्राण त्याग कर दिए और मर करके राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। और उस राजकुमार के भव में उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कितने छोटे से भवों में मुक्ति का मार्ग उसने प्रशस्त कर लिया। वो ग्वाले का जीव जिसने नमो अरिहंताणम मुनिराज के मुख से सुना और उसके माध्यम से उसने सेठ के यहाँ पर जन्म लिया, सुदर्शन के रूप में उत्पन्न हुआ और उसी भव से उसने पटना के गुलजार बाग से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो कितने छोटे छोटे नियम लेकर के और वहां पर भगवान को जिसने अपने हृदय में धारण किया है वो शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अकृत पुण्य के जीव ने कैसा उसका जीवन था, लेकिन एक बार मुनिराज को आहार देने की अनुमोदना की और उसके माध्यम से वो स्वर्ग गया आखिरी में, और आने के बाद में धन्य कुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। उस भव में तपस्या करके और संलेखना के साथ में मरण करके सर्वार सिद्धि में देव बना। अब अगले भव में मुक्ति निश्चित। राजा श्रेणिक का भाई कौन था जिसने कि राजा जो राजा श्रेणिक ने जिसको जिसके राज्य में जिसको राज दिया गया था उनके पिता ने उसके लिए वहां से दूर कर दिया था, क्योंकि वो चिलाती पुत्र बड़ा ही क्रूर था। और उस चिलाती पुत्र ने एक सेठ की पुत्री का अपहरण किया और उसने कह दिया कि मेरा तो जिसके साथ विवाह हो रहा था वही मेरा पति है, बाकी कोई नहीं है। और क्रोध में मैंने जिसके लिए प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया वो मुझे ठुकरा रही है, उसका गला काट देता है। और राजा श्रेणिक उसका पीछा करते हैं और उस समय में जाकर के वो मुनिराज के चरणों में दीक्षित हो जाता है और वो सेठ की पुत्री मर करके यक्षी बनती है और ये मुनिराज के ऊपर आकर के उपसर करती है चील बन करके। और उस समय में समता के साथ में वो वहां पर उस उपसर को सहन करके और वो भी सर्वार सिद्धि में जाकर के उत्पन्न होते हैं। कहां डाकू जैसे जीवन और कहां हृदय में भगवान को धारण किया, सर्वार सिद्धि पहुंच गए, अगले भव में उनकी भी मुक्ति निश्चित है। कहां तक कहें, जिनागम में उदाहरणों का, उसने मछली पहली मछली को मैं नहीं बांध पकड़ूंगा, उस धीवर ने उसके माध्यम से जाकर के सेठ का पुत्र हुआ और उसी भव से उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो आगम के इन व्याख्यानों को सुनकर के जिसमें कि कहा गया है कि भगवान जो आपको अपने हृदय में धारण करता है वो शीघ्रता से हल्का होकर के और संसार समुद्र को पार कर जाता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं लगती। लेकिन यदि हम इसके अर्थ को नहीं समझ रहे थे जब विरोधाभास के अर्थ में देख रहे थे, तब उस समय में वास्तव में जो अपने हृदय में धारण करता है उसमें भी किस प्रकार के परिणामों की उज्ज्वलता को वो प्राप्त करता है वो हमारे चिंतन में नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ पर कहा चिंत्यो न हंत महताम यदि वा प्रभावा। जो महान पुरुष होते हैं उनका प्रभाव अचिंतनीय होता है, अपन उनको शब्दों में या उनको व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इस काव्य में भगवान की भक्ति का जो है उत्कृष्ट रूप कि जो अपने हृदय में धारण करता है वो संसार समुद्र से पार हो जाता है। स्वामिन्ननल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास्
त्वांजन्त वह कथमहोरदये दधाना। जन्मो दधिन लघु तरन्त्यति लाघवेन, चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला गौरव प्रभु में भारी, कैसे हृदय समाए, कर प्राप्त शीघ्रता से, भव सिंधु पार जाए। महिमा महापुरुष की है अचिंतनीय माला, कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बा।